हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके पहले हमने पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए हैं, पोटेंशियल निकालना पढ़ लिया है कि किस तरह से किन किन चीज़ों का यूज़ करके हम किन किन क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने पोटेंशियल निकाला है, डाइपोल के कारण हमने पोटेंशियल निकाला है, एंड सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल निकाला है। तो हमने जैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल निकाला, तो वही पोटेंशियल जो है वो एक पोटेंशियल के लिए हमने जो पोटेंशियल निकाला था उसी फॉर्म में आएगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम टॉपिक लिख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम टॉपिक से ही समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा सरफेस है जिस पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा। इक्वे का मतलब क्या होता है? सेम पोटेंशियल, यानी कि एक ऐसा सरफेस है जिस पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक सरफेस पे पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है? कोई सरफेस है, उसके ईच पॉइंट पर, ईच मतलब प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा सेम, मतलब बराबर। अगर मान लो एक ऐसा सरफेस है जिसके एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल मान लिया है 2 वोल्ट, तो उसके दूसरे पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 2 वोल्ट होगा। तो देखो इसको डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं। मान लो हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम बनाएं तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से बनेगी। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की है। अगर यहीं पर ही माइनस क्यू चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन होगी इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। ये कैसे डायरेक्शन है? आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो यहां पर एक सरफेस बनता है, ये जो सरफेस होगा वही क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम प्लस क्यू चार्ज को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। अब अगर हम यहाँ पर सरफेस की बात करें तो ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? इस सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर, ईच पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। अब यहाँ से हम डेफिनेशन किस तरह से बना सकते हैं? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द सरफेस, द सरफेस at each point of which, at each point of which potential कैसा रहेगा? same रहेगा। potential is same, then it is known as equipotential surface, equipotential surface। तो इस तरह से आपको ये डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करोगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? द सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा पृष्ठ या सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल यानी जो विभव होता है वो समान हो, क्या कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर हिंदी में हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी पहले जो डायग्राम बनाया आप वो इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। जैसे मान लो प्लस क्यू है चार्ज, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या है? डायरेक्शन है। यहाँ जो सरफेस बनेगा वो सरफेस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और उसके प्रत्येक बिंदु पर, ईच पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। तो यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी और निकाल सकते हैं इसकी। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना रहे हैं,
ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये जो डायरेक्शन हुई वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी यहाँ से हम बना सकते हैं, ये मान लो ये जो सरफेस है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ से निकाल ली है कि जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकती है, हमें ये पता है कि इस सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ईच पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। मान लो एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो मैंने मान लिया है 2 वोल्ट, तो दूसरे पॉइंट पर भी जस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2 वोल्ट रहेगा। अब अगर हम दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेफिनेटली वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी क्या देख ली है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो वो हर बार हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो ये इसकी हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। अब अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के बीच अगर डायग्राम बनाकर देखें तो वो डायग्राम कैसे बनेगा, मान लो यहाँ पर ये जो सरफेसेस हैं वो कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तीनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को देखें तो वो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन सरफेसेस से इस तरह से पास हो रही है। अब आप इसका 3D डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जो 3D डायग्राम है वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है कुछ इस तरह से। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक सरफेस ये है, सेकंड वाला सरफेस ये है, थर्ड सरफेस ये है, तो सारे के सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है तो वो लाइंस जो है वो इन सब के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर सब में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की हम इसको शो कर सकते हैं, इस तरह से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। सो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ है और कैसे हम उनको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इसकी क्या है, पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इज सेम। तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकती है, था हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। देन हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एट दिस सरफेस इज 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना होगा, 0 होगा। थर्ड अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी देखो, अगर प्लस क्यू चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो वर्क रिक्वायर्ड ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, वर्क जो है वो 0 है वहाँ पर। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम कैसे लिख सकते हैं, नो वर्क इज रिक्वायर्ड। हम क्या लिख सकते हैं, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट एट दिस सरफेस। तो इस सरफेस पे
अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएं, तो वहां पर जो वर्क होगा उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर एट दिस सरफेस. तो यहाँ पर थर्ड अपनी प्रॉपर्टी ये हो गई. फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने डेफिनेशन में ही देख ली थी कि जो पोटेंशियल होगा वो ईच पॉइंट पर सेम होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर पोटेंशियल ईच पॉइंट पर सेम है, देखो ये एक के बाद एक प्रॉपर्टीज उन्हीं प्रॉपर्टीज से ही बनी है. कैसे, पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होगा, सेम, वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है. तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल सेम है तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. देन पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो दो पॉइंट्स के बीच में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर जाएं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, देन वहां पे वर्क जो है वो रिक्वायर्ड ही नहीं होगा. तो हम क्या लिख देंगे, नो वर्क इज रिक्वायर्ड. एक और प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. तो इस टू दिस सरफेस, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. मतलब उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये कैसे रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल. लेकिन अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इस इंटरसेक्शन पर, इस पॉइंट पर जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज मिल जाएगी. तो दो वैल्यूज तो पोटेंशियल की सही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा. और इसको देखो किस तरह से लिख सकते हैं, फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टीज है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect then at the point of intersection there will be two values of potential which is not possible. इसकी अपनी ये जो प्रॉपर्टी है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, क्या है कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. अगर कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट करें तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल. तो दो पोटेंशियल की अगर वैल्यूज आ रही है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं. इसका मतलब कभी भी कोई दो या फिर और भी जितने भी सरफेसेस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो इंटरसेक्ट नहीं करते. जैसा कि हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज हमें मिलती है, तो वो जो कि पॉसिबल नहीं है. सेम यहाँ पर है कि अगर सरफेसेस जो है दो सरफेसेस वो इंटरसेक्ट करें तो वहां पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो ये पांच प्रॉपर्टीज यहाँ पर हो गई है. नेक्स्ट सिक्स्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर. सिक्स प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एक कंडक्टर का जो सरफेस है वो हमेशा क्या रहता है, इक्विपोटेंशियल होता है. तो सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल
पोटेंशियल। तो किसी अगर कंडक्टर की हम बात करें, किसी चालक की हम बात करें, तो उसका जो सरफेस है वो हमेशा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। मतलब उसके जो सरफेस पे जो चार्ज है, या फिर अपन बात करें पोटेंशियल की, तो वो ईच पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ये बात हो रही है किसी कंडक्टर के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ईच पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है। हमने इसका डायग्राम देखा। डायग्राम के थ्रू हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं प्लस क्यू चार्ज के लिए, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। वहाँ पर जो सरफेस बन रहा है वो कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इससे हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं आगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी थी ईच पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। अगर सेम है तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टू पॉइंट्स के बीच में वो कैसा होगा, ज़ीरो होगा। थर्ड हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट दिस सरफेस। तो वर्क हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होगी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हो गई। फिर फिफ्थ में हम क्या देखते हैं कि जैसे दो पोटेंशियल सरफेसेस हैं हमारे पास, वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करें तो वहाँ पर पोटेंशियल की दो डायरेक्शन होती है, और सॉरी डायरेक्शन नहीं, वहाँ पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज़ होती है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। वहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जो कि डायरेक्शन को बताए, ठीक है। डायरेक्शन होगी तो उस डायग्राम में हम दिखाएंगे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो वहाँ पर क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल की दो वैल्यूज़ मिलती हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होगा, हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मतलब कंडक्टर के ईच पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको विद डायग्राम आपको डिफाइन करना है और इसकी प्रॉपर्टीज को देखना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।